नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं 28 सितंबर 2018 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपको रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कौन सा राज्य 2 अक्टूबर को पेंशन योजना की शुरुआत करेगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम राज्य। दोस्तों, असम राज्य के मुख्यमंत्री एस सोनेवाल ने है घोषणा की है कि वह 2 अक्टूबर को पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, असम की राजधानी की अब बात करें या कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। को या क्या है, इसकी राजधानी है दिसपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनलैंड को ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बात करें इसमें अपने देश भारत की, दोस्तों इंडिया को इसमें मिला है 158वां स्थान, यानी कि 198वां स्थान मिला है भारत को ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग का। रैंकिंग भारत की है 198वां, दोस्त 158, और फिनलैंड की है फर्स्ट पोजीशन। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2018 में इंटरफेथ एलायंस फोरम की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात 19 से 19 व 20 नवंबर को 19 व 20 नवंबर को इंटरफेथ एलायंस फोरम की मेजबानी करेगा। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी है आबू धाबी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का सुखोई विमान से सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए नांग, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी है अस्त्र। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस देश के राष्ट्रीय प्रमुख को संयुक्त रूप से चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वह व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल। दोस्तों, यह मैक्रो, यह दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, मैनुअल मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को साथ में ही चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, फ्रांस की बात करें तो यह इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मैनुअल मैक्रो। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया? ऑप्शन ए 497, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी है 121 या ऑप्शन डी 288।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 497 IPC 497। दोस्तों इसके तहत यह जो विवाहित संबंध को अपराध माना जाता था, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कर दिया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। वित्तीय समावेश FI पहल के अंतर्गत वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किस मोबाइल ऐप्स का उद्घाटन किया गया? दोस्तों उस ऐप्स का नाम है ऑप्शन नंबर बी, जनधन दर्शक। इसका राइट आंसर है जनधन दर्शक। दोस्तों इस ऐप्स का उद्देश्य है वित्तीय सेवाओं सेवा केंद्रों की जानकारी देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने दूर संचार आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? केंद्र सरकार ने दूर संचार आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी आयोग, ऑप्शन बी संचार सूचना आयोग, ऑप्शन सी डिजिटल संचार आयोग, या ऑप्शन डी भारत संचार आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल संचार आयोग। यह नाम दूर संचार आयोग का नया नाम है, कौन सा? डिजिटल संचार आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टीफन लावेंस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, या ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन। दोस्तों स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लाफवेन, इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों स्वीडन की राजधानी की बात करें या कैपिटल की बात करें, तो यहाँ की कैपिटल है स्टॉकहोम। कौन सी? स्टॉकहोम यहाँ की कैपिटल है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में संपन्न G4 सदस्य देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? हाल ही में संपन्न G4 सदस्य देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, या ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुषमा स्वराज द्वारा भारत देश का प्रतिनिधित्व किया गया G4 सदस्य देश की बैठक में। दोस्तों सुषमा स्वराज यह विदेश मंत्री हैं केंद्र की। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।